ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाई दूज का महत्व। दीपावली के साथ ही भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक भाई द्वितीया का अपना एक विशेष महत्व है। भारतीय बहनें इस पर्व पर भाई की मंगल कामना कर अपने को धन्य मानती है। भैया दूज हिंदू समाज में भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 1 नवंबर के दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक के पर्व को हिंदू समुदाय के सभी वर्ग के लोग हर्ष उल्लास से मनाते हैं। इस पर्व पर जहाँ बहनें अपने भाई को दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है, तो वहीं भाई भी शगुन के रूप में अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ देने से चूकता नहीं है। इस पर्व पर बहनें प्रायः गोबर से मांडना बनाती हैं, उसमें चावल और हल्दी के चित्र बनाती है तथा सुपारी, फल, पान, रोली, धूप, मिष्ठान आदि रखती है, दीप जलाती है। इस दिन यम द्वितीया की कथा भी सुनाई जाती है। अभी एक कथा मैं आपको यमराज से रिलेटेड में बता देता हूँ, दूसरा भी शॉर्ट, दोनों कहानी शॉर्ट में बताऊँगा। भविष्य पुराण में उल्लेखित यह द्वितीया की कथा सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी। उनमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा अपने पति सूर्य की उदित किरणों को सहन नहीं कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। इसी से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से सदा युवा रहने वाले अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम तथा यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इसे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बनाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती थी और इसलिए गोलोक चली गई। समय व्यतीत होता रहा, तब काफ़ी सालों के बाद अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यम ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर यम स्वयं गोलोक गए, जहाँ यमुना जी की उनसे भेंट हुई। इतने दिनों बाद यमुना अपने भाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यमुना ने भाई का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। इससे भाई यम ने प्रसन्न होकर कहा बहन से कि चलो वरदान मांगो। तब यमुना ने वर मांगा कि भैया मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल में स्नान करे वो यमपुरी नहीं जाए। यह सुनकर यम बड़े चिंतित हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसे वरदान से तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाई को चिंतित देख बहन बोली, भैया आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें तथा मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे यमपुरी नहीं जाएं। यमराज ने इसे स्वीकार कर वरदान दे दिया। भाई बहन मिलन के इस पर्व को अब भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी कहानी बता देता हूँ, द्वितीय कथा। एक राजा अपने साले के साथ चौपड़ खेला करता था, साला जीत जाता था। राजा ने सोचा कि भाई दूज पर यह बहन से टीका कराने आता है, इसलिए जीत जाता है। अतः राजा ने भाई दूज पर आने पर साले को आने से रोक दिया, साथ ही कड़ा पहरा बना बिठा दिया जिसे वो नहीं आ सके। जब भाई दूज पर भाई बहन के पास टीका कराने नहीं पहुंचा तो बहन बहुत दुखी हो गई। तब भाई यमराज की कृपा से कुत्ते का रूप धारण करके राजा के कड़े पहरे के बावजूद बहन के यहाँ पहुँचा। बहन हाथ में टीका लेकर बैठी थी। कुत्ते को देखकर उसने प्रेम से अपना टीका से सना हुआ हाथ उसके माथे पर फेरा और कुत्ता वापस चला गया। लौट कर वह राजा से बोला, मैं भाई दूज का टीका कराया हूँ, आओ अब खेलते हैं। राजा बहुत चकित हुआ। तब सारे ने पूरी बात सुनाई। राजा टीके के महत्व को मान गया और अपनी बहन से टीका कराने चला गया। अभी भाई दूज में दान का भी अपना एक महत्व है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के साथ दान का विशेष महत्व है। दान में केवल मानव ही नहीं पशु पक्षी भी सम्मिलित होते हैं। भाई दूज के दिन किसी निर्धन या विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, साथ ही गाय, कुत्ता और पक्षियों को भी यथा योग्य भोजन दिया जाना चाहिए। परिवार के सभी लोग सूर्य को अर्घ दें। जो बहनें व्रत रखती हैं वो दोपहर बाद भोजन कर सकती हैं, लेकिन तब तक भाई की आरती कर लें। भाई को चाहिए कि वो सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को उपहार अवश्य दें और यदि बहन किसी संकट में है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।